तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वरदान को पाकर के रावण अत्याचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। तुम्हारी तो रक्षा वही परमात्मा कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो खुद रावण के बंदी खाने में पड़े हुए हैं। रावण की मृत्यु को देखा करते कि रावण की मृत्यु के ही ना हो जाए, इसलिए हम लोग कैसे रक्षा कर सकते हैं। लेकिन विचार करना है भगवान इस समय कहां पर है। हम लोग चले और भगवान से अपना दुख सुनाएंगे, ताकि भगवान हम लोग का कष्ट दूर करेंगे। सारे देवता लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं। एक देवता ने कहा, राजा इंद्र ने कहा, भगवान इस समय अयोध्या में विराजमान है, सारे लोग अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सूर्य भगवान ने कहा नहीं, भगवान अयोध्या नहीं है। तब क्या भगवान इस समय गोलोक में बात कर रहे हैं, चलो हम सब लोग गोलोक चले और भगवान को वहां अपना दुख सुनाएंगे, भगवान हमारे दुख को दूर करेंगे। एक ने कहा नहीं, इस समय तो भगवान जो है ना क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, हम लोग क्षीर सागर चले, भगवान हम लोग के दुख को दूर करेंगे। दूसरे ने कहा नहीं, भगवान तो साकेतपुरी में है। सारे देवताओं ने अपने अपने मन की बात कह दिया और उसी समाज में भगवान शिव बैठे थे। भगवान शिव से पूछा गया कि भगवान आप बतलाइए, भगवान इस समय कहां बात कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सब गोलोक में है, आपने कहा कि भगवान क्षीर सागर में है, आपने कहा कि भगवान अयोध्या में है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं ऐसा कौन स्थान है जहां भगवान न हो। भगवान तो हर जगह है, हर पत्ते पत्ते में भगवान का वास है, हर कण कण में परमात्मा का वास है, हर जगह भगवान का वास है, हर गांव गांव में भगवान का वास है, हर मनुष्य के अंदर भगवान का वास है, हर कण कण में परमात्मा का वास है। अरे विष्णु जने विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वार माला कुले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत, जन में थन में भुवन भुवन में वे परमेश्वर राज रहे, वे जगदीश्वर वे परमेश्वर भुवन भुवन में विराज रहे। परमात्मा तो हर जगह विराजमान, कहा नहीं है। आपने कहा कि भगवान क्षीर सागर में, आपने कहा कि भगवान गोलोक में है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि कौन ऐसा स्थान है जहां पर भगवान नहीं है। भगवान तो हर जगह वास करते हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाए। परमात्मा तो प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि को दो लकड़ी का मंथन किया जाता है उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। एक भक्त दक्षिण भारत का
भगवान का बहुत भजन करते थे। नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे, क्या देखो जी नारद जी ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा भैया हम तो जा रहे हैं भगवान के पास क्षीर सागर में, अयोध्या जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। अच्छा आप जा रहे हैं ना तो भगवान से ये पूछिएगा कि हम जो भजन कर रहे हैं तो भगवान हमको कब दर्शन देंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इधर हाँ इधर उधर घूमेगा तो नींद आएगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। निद्रा देवी को भगाइए, जय बोलिएगा ना तो निद्रा देवी भाग जाएगी। निद्रा देवी भाग जाए और अक्सर कथा में भागवत में निद्रा देवी आ जाती है, इसलिए निद्रा को भगाना है। और ये निद्रा देवी जानती है कौन है? काय कुंभकर्ण की पत्नी है। हाँ छह महीना में कुंभकर्ण छह महीना तो सोता था ना, आप तो लीलाधारी है, छह महीना तो सोता था। और जब कुंभकर्ण मारा गया ना तो निद्रा देवी गई भगवान के पास, कहा भगवान आपने मेरे पति को मार दिया, मैं तो विधवा हो गई, अब मैं ना जाऊंगी। तो भगवान ने कहा जहां कथा हो भागवत हो और कथा में मन न लगे वहीं पर उनके ऊपर सवार हो जाना, इसलिए जब जय बोलिएगा ना बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय, तो आलस भाग जाएगा, आलस भाग जाएगा, निद्रा देवी दूर हो जाएगी। इसलिए नारद जी से कहा कि ये बताए आप भगवान के पास आ रहे हैं तो भगवान से पूछिएगा कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे। नारद जी गए भगवान के पास और भगवान से पूछे कि भगवान एक मृत्यु लोक का मनुष्य है और बहुत आपका भजन करता है, बहुत आपकी भक्ति करता है, आप कब मिलेंगे उनको, कब आप उनको दर्शन दीजिएगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं दर्शन तो दूंगा लेकिन अभी नहीं। कहा कब? कहा जिस पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके मेरा भजन करता है उस वृक्ष में जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने दिन तक उतने वर्ष तक मेरा भजन करेगा तो मैं उसको दर्शन दूंगा। अब आप बतलाइए उस वृक्ष के नीचे में कितने पत्ते लगे होंगे, कहा उतने दिन तक वो मेरा भजन करेगा तो मैं दर्शन दूंगा। नारद जी आगे